अंदर ऑटिज्म डायग्नोज होने के बाद जब उनके पेरेंट्स हमसे मिलने आते हैं तो उनकी जो सबसे पहली क्यूरियोसिटी रहती है, जो चिंता रहती है, वो ये जानने की कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म क्यों हुआ, डॉक्टर क्या रीज़न है कि हमारे बच्चे के अंदर ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स आए। तो इसके अगर हम रीजंस की बात करें तो बहुत सारे थियोरीज एंड हाइपोथेसिस प्रपोज की गई हैं। उनमें जो सबसे मेजर दो कैटेगरीज बनती हैं, एक है जेनेटिक ओरिजिन की और दूसरी है नॉन जेनेटिक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। मेरा नाम है डॉक्टर अमलेंदु त्रिपाठी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जेनेटिक फैक्टर्स की जो ऑटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जेनेटिक फैक्टर में जो सबसे पहला रीजन होता है वो है सिंड्रोमिक ओरिजिन की और दूसरा है नॉन सिंड्रोमिक या नॉन क्रोमोसोमल ओरिजिन की। तो जो सिंड्रोमिक ओरिजिन होते हैं कि सिंड्रोम का मतलब है आप कोई एक क्रोमोसोम आइडेंटिफाई करते हैं जो एबनॉर्मली डेवलप हुआ है, उसके सीक्वेंस एबनॉर्मल हैं और उसमें आप जो है उनके साथ आपको ऑटिज्म के सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे कि फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम, ये एक सिंड्रोम है, इसमें आपको ऑटिज्म के सिम्टम्स मिलते हैं। दूसरा है रीड सिंड्रोम, इसमें भी आपको ऑटिज्म के सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो ये है, इसी तरह से और भी सिंड्रोम्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और भी क्रोमोसोम्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको हम जो ऑटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि नॉन सिंड्रोमिक ओरिजिन की, तो जब ओवम बन रहा है या स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो कुछ छोटे छोटे म्यूटेशन हो जाते हैं जो कि पहले बच्चे की फैमिली हिस्ट्री में कहीं नहीं थे, पेरेंट्स में या उसके फोर फादर्स में कहीं नहीं देखे गए थे। और इस तरह के जो म्यूटेशंस होते हैं फर्स्ट टाइम होते हैं, इनको हम डी नोवो म्यूटेशन कहते हैं। डी नोवो म्यूटेशन मतलब फर्स्ट टाइम डेवलप हुए म्यूटेशन, और ये म्यूटेशंस जो है बच्चे में ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और ये जो सीवियरिटी है ऑटिज्म की, कई बार नंबर ऑफ डी नोवो म्यूटेशंस मतलब कि एक से ज़्यादा भी डी नोवो म्यूटेशंस हो सकते हैं, मल्टीपल डी नोवो म्यूटेशन हो सकते हैं। तो यदि एक म्यूटेशन है तो सीवियरिटी कम होगी, एक से ज़्यादा है तो सीवियरिटी ज़्यादा होगी। अब अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे जब सीक्वेंसिंग की गई है तो बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं, बहुत सारे डी नोवो म्यूटेशंस हैं, तो इनको कैटेगराइज भी किया गया है। जैसे डी नोवो म्यूटेशंस को ए बी सी कैटेगरी में रखा गया है, तो जो ए ग्रुप है वो ज़्यादा सीवियर है, बी कम सीवियर है और सी उससे भी कम सीवियरिटी में रखा गया है। तो इस तरह से बहुत सारी सीक्वेंसिंग की गई है, बहुत सारी कंडीशंस आइडेंटिफाई की गई हैं। अब इस तरह की कंडीशंस आइडेंटिफाई करने के पीछे जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो निकल के आता है कि अगर कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड किसी के पास है, अगर वो सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उनको हम फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए क्या कुछ गाइड कर सकते हैं। 100% डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है, ये कहीं भी अभी एब्सोल्यूट बताया नहीं गया है, लेकिन एक चांस बनता है। यदि सपोज करिए फैमिली हिस्ट्री में ऑटिज्म है, तो अगर मेल चाइल्ड है प्रेगनेंसी में तो उसमें 4 times गर्ल चाइल्ड के कंपेरेटिवली ऑटिज्म होने के चांसेस बनते हैं। इसी तरह से अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं और फैमिली हिस्ट्री में ऑटिज्म है, मतलब फर्स्ट चाइल्ड ऑटिज्म है, तो 70% चांस है कि वन ऑफ द चाइल्ड विल बी ऑटिस्टिक। सो इस तरह से हम अपने नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए जो पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं उनके, या फैमिली हिस्ट्री में है किसी के, तो उनकी हम जेनेटिक काउंसलिंग करके उनको सपोर्ट दिया जा सकता है कि वो आगे अपने आने वाली जो प्रोजेनी है उसको प्लान कर सकें और एक हेल्दी चाइल्ड के डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। अगर मेरी बात से, मेरे वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ शेयर विथ योर लव्ड वंस, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।